गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप लोग देखते हैं पिछले कई दिनों से हमारा समय जो है आने जाने में ही करता रहा। खैर, अभी आज हम घर पर हैं और आज कहीं नहीं जा रहे हैं, आज घर पर रहेंगे। और ये देखिए, ये जो हमने नींबू लगाया था वो है, अभी आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखो इसमें कितने सारे फूल आ गए हैं सफ़ेद कलर का। और ये देखिए, और इसके अगल बगल बहुत ज़्यादा घास लग गया है। खैर, सबसे पहले इसको हम सफाई कर देते हैं कि इसको थोड़ा सा आराम मिल जाए। इसके अगल बगल का जो घास है इसको हम उखाड़ देते हैं कि इसको खूब आराम मिल जाए और ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। काफ़ी घास लग गया है इसके अगल बगल। अब देखिए, इसके अगल बगल का जो घास था मैंने उखाड़ दिया है और अब ये सफ़ा लग रहा है बिल्कुल से। और इसमें फूल बहुत सारे आ गए हैं, ये देखिए नज़दीक से देखिए, इसमें बहुत सारे फूल आ गए हैं और अब ये फरेगा तो हम खाएंगे। और हाथों में देखो कितनी मिट्टी लग गई, इसके घास उखाड़ने के चक्कर में कितनी मिट्टी लग गई। खैर, इस खेतों में पानी चल गया था जिसके कारण से इसमें काफ़ी लेवा हो गया है, मतलब गीला हो गया है इसका ज़मीन, जिससे घास उखाड़ने में हमको मिट्टी हाथ में लग गई। खैर, कोई बात नहीं है, ये तो काम है अपना। और इधर खेतों में सरसों लगा था, ये कट गया है। और इधर साइड में आप देख सकते हो ये बरसीन और मक्खन घास लगा है गाय को खिलाने के लिए। इधर साइड में ये देख, पूरा काफ़ी हरा भरा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, आज मेला लगा हुआ है। अभी बज चुके हैं 3:30 और ये देखिए, ये है नाश्ता दोपहर का, ये चाय है। हम दो टाइम चाय पीते हैं, घर पर होते हैं तब, और कहीं अगर जाते हैं वीडियो वगैरह बनाने या फिर बाजार मार्केट जाते हैं तो करीब 3-4 चाय हो जाती है हमारी। डंडा लेकर क्यों आ रहे हो? डंडा लेकर क्यों बेटा, क्या हुआ? चलो अभी इनको क्या है कि मेला दिखाने जाना है। आज हमारे गांव के बाहर फूल वाला मेला लगा था, अभी हम गए थे, थोड़ा सा देखे थे, आपको भी दिखाए थे। तो अभी दोपहर है और अभी दोपहर से ही भीड़ लगना शुरू हो गया है आज मेले में। है, बहुत दिन हो गए ना, कोई मेला नहीं देखा था इसीलिए। ये देखिए, लोगों ने मेला जाना शुरू कर दिया है। ये देखिए, लोग जा रहे हैं सड़कों पर, अभी हम लोग भी जाएँगे आज मेला देखने। ये पुल है और ये है नदी, इसी के किनारे मेला लगता है। ये है मेला। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज वीडियो का दूसरा दिन है और कल हम लोगों के यहाँ मेला था। बड़े वाले जो पुल है हमारे यहाँ उसके पास में, नहर के पास में, तो कल हम लोग मेला देखने गए थे। और मतलब कि ज़्यादा समय तक नहीं थे मेले में, करीब आधा घंटे और पौन घंटे के आसपास थे मेले में। और हमारे साथ में चंपू भी गए थे, अभी है चंपू हमारे साथ में, यहाँ ये देख सकते हो। बाकी ये इन्होंने साइकिल भी लेकर यहाँ पर आए खेतों में, ये देखिए। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो हम लोग मेला देखने गए थे और ज़्यादा समय तक नहीं थे मेले में, और मेले का वीडियो खास मैं नहीं बना पाया था क्योंकि वहाँ पर मेले में जाने के बाद में वहाँ पर जानते हो बाजा बज रहा था, बड़े बड़े माइक लगे थे। और पुल के इधर साइड में मेला था और उधर साइड में एक मंदिर है, मंदिर पर भंडारा भी था। मंदिर पर भंडारा होता है और मेला होता है, मतलब दोनों साथ में होता है।
तो इसी कारण से हम वहाँ का वीडियो खास नहीं बना पाए थे, बस बैक कैमरे से थोड़ा सा सीन ले लिया था जो आपको दिखा दिए थे। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही सीन था और इस वीडियो को ही प्रिंट करते हैं। और हाँ, एक बात और है कि हमें जाना है, किसी दिन चलते हैं। बलरामपुर से पहले एक चौराहा पड़ता है, सखुइया कला चौराहा ऐसे कुछ नाम से है, तो वहाँ का एक वीडियो बनाना है, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, उसको बनाना है। और किसी दिन अपने बाइक का हम माइलेज टेस्ट करेंगे कि हमारा बाइक कितना एवरेज देता है, कितनी माइलेज देती है, तो इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मतलब कि अपने माइलेज को चेक करेंगे, अपने बाइक के माइलेज को चेक करने के बाद में ही हम दूसरा गाड़ी लेंगे। ये मतलब मैंने सोचा है कि जितना एवरेज हमारा गाड़ी देता है उसी हिसाब से जो गाड़ी एवरेज देगा उसी गाड़ी को लेंगे, क्योंकि हमारा गाड़ी हमारे हिसाब से अगर सोचा जाए तो अच्छा एवरेज देता है, करीब 50 से तो कम नहीं देगा। फिलहाल उसको हम चेक कर लेंगे, उसके बाद ही हम किसी गाड़ी को मतलब चुनेंगे। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही सीन था और इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करना, और जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बाकी जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, मतलब कि जो हमारे फैमिली मतलब हमारे परिवार हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, करीब अभी उनकी संख्या हुई है 4200 के आसपास और अभी जल्द ही हो जाएगी 5000। खैर, हमारा जो है सब्सक्राइबर 10000 करा दीजिए भाई लोग, थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, 10000 सब्सक्राइबर हो जाएँ फिर थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही सीन था। ये देखिए सीन, इधर गन्ने की बुवाई होगी, इसमें पानी चला दिया गया है इस खेतों में, बाकी इस खेतों में भी पानी चला दिया गया है। बाकी उधर जो खेत दिख रहे हैं उधर साइड में भी पानी चला दिया गया है, मतलब कि वहाँ से लगाकर और इतने गन्ने की बुवाई इधर साइड में होगी इस बार। बाकी ये खेत है, इसमें भी गन्ने की बुवाई होगी। बाकी उधर साइड में गेहूँ लगा था और उधर साइड में गेहूँ लगा है, उधर साइड में मतलब गेहूँ धान यही सब होते हैं, बाकी इधर साइड में गन्ने होते हैं। और ये देख रहे हो आप, ये गेहूँ है, इसको काटने के बाद में इसमें भी गन्ने हो जाएंगे। तो खैर, इधर साइड का जो खेत है गन्ने के लिए अच्छा होता है। बस इतना ही, बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना और जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 10000 सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिए हमारे, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।